आप सभी लोगों के पास तो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में आपका नाम गलत हो चुका है, स्पेलिंग मिसमैच हो चुका है और जो है एक ऐसा दस्तावेज है जिसके कारण से आपके जो काम है वो रुक जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग जो है मेरा राशन ऐप से 2.0 लिखा है यहाँ पर, इस ऐप के मदद से आप जो है अपने नाम को जो है सही कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कंप्लीट जरूर देखना, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताते हैं कि आप मेरा राशन ऐप से आप जो है नाम में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मेरा राशन ऐप को सबसे पहले तो अपने जो है प्ले स्टोर पे आप जाना, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पे है, अब मेरा राशन लिख के सर्च करना। इस वाले एप्लीकेशन में जो है यहाँ पर जो अभी लॉन्च हुआ है फिलहाल ये वर्किंग में है, बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी हो रही है, लॉग इन नहीं हो रहा है, या तो फैमिली में एड कर रहे हैं एड नहीं हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड, आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों सभी के लिए, जैसे कि दोस्तों आप लोगों सभी को पता है कि जो है मेरा राशन कार्ड जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, इसको पहले जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो कहीं कहीं पर वर्क करता था, लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन को जो है पूरे भारत के लिए एक ही जो है ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप से आप जो है सारा चीज आप घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि नाम काटना, नाम जोड़ना, ठीक है, फैमिली मेंबर को हटाना, फैमिली मेंबर जोड़ना, ये सारा चीज आप जो है मेरा राशन ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा चलिए बता देते हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है अपने फोन में, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार से नहीं आएगा, दोस्तों यहाँ पर अलग दिख रहा है, ठीक है, फिलहाल तो अलग दिख रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है लॉग आउट हो जाता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना जो लॉगिन है वो करना है अपने आधार नंबर डाल के। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आसानी के साथ इस पे आप लॉगिन कर पाएंगे, अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं एम पिन यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम अपना एम पिन डाल के यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करके लॉगिन होकर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो अपना एम पिन डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा जो राशन कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को ब्लर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, इसी भी एक बार आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जितने भी फैमिली मेंबर है वो सारा चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जितना फैमिली वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन देखेंगे, एक तो यहाँ पर व्यू का दिख रहा है, यहाँ पर पेंसिल का दिख रहा है, यहाँ पर डिलीट का दिख रहा है, ठीक है। तो तीनों का काम अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर व्यू करके, यहाँ पर पेंसिल का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर पहला व्यू करके दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो डिटेल्स दिखेगा, मतलब आपका नाम का डिटेल दिखेगा। लेकिन दोस्तों इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं किसी पे एक पेंसिल पे क्लिक करता हूँ और पेंसिल पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर सच में आप जो फैमिली डिटेल को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, अपडेट फैमिली मेंबर यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं यस करके क्लिक कर देता हूँ। यस पे जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ पर नो स्टेप दिया गया, ठीक है, नो स्टेप में आपको जो है कंप्लीट करना है, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवां नौ में नो डिटेल दिया। जैसे हम नया फैमिली एड करते हैं सेम उसी प्रकार से आपको एड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें, जैसे आप जो है यहाँ पर नया फैमिली को ऐड करते हैं सेम इसी प्रकार से आपको जो है अपना डिटेल्स जो है यहाँ पर जो है डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स डालना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर नाम में मिसमैच हुआ है, ठीक है, नाम में मिसमैच हुआ है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर नाम में मिसमैच हुआ है स्पेलिंग आपको सही लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं नेम इज लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में नाम लिखना है, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है फिलहाल, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज आ जाएगा, आपका मदर नेम आ जाएगा, यहाँ पर मदर नेम आपको डालना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी डालना पड़ेगा, फादर नेम आपको डालना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज क्या है फादर का नाम वो भी डालना पड़ेगा, मेरिटल सिलेक्ट करना है क्या है इसी के यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देना है, जो स्टार मार्क है वो तो भरना है, जो स्टार मार्क नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो इसको भर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इसमें मैंने इसके बारे में यहाँ पर जो फैमिली एड करते हैं, नया फैमिली एड करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, बाकी का जो वीडियो है आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप जो है बाकी जो काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को कोई भी फैमिली मेंबर एड नहीं करना है,
ना ही यहाँ पर कोई भी करेक्शन करना है। ठीक है, आप लोगों को तरीका बता रहा था किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने तरीका बता दिया, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों साथ शेयर करना। अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।